अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट खैर वाफियत होंगे। फाइनली आज हम लोग क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 6 को कवर करेंगे। आज से पहले हम लोगों ने 1 से 5 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इस चैनल में न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू मेहमान हैं, आपकी आसानी के लिए मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ। सर्च कीजिए AS उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में आप लोगों को कम्प्लीट लेक्चर मिल जाएगा। अगर आप लोग इसका मुकम्मल नोट्स PDF को प्रोवाइड करना चाहते हैं इस क्रैश कोर्स का, तो आज ही रब्ता करें हमारे नंबर पे। नंबर है 9508214760। आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 6 के सभी VVI क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है बागो बहार और यह एक दास्तान है। इनके मुसन्निफ मीर अमन दहलवी है। कौन है मुसन्निफ, राइटर, लेखक? मीर अमन दहलवी। और यह एक क्या है, दास्तान है। आइए हम लोग इस चैप्टर के सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 में पूछ रखा है बागो बहार का ताल्लुक किस सिर्फ से है। ऑप्शन दिया हुआ है नावेल, अफसाना, इंशा या दास्तान। तो यह चैप्टर दास्तान से ही है, तो आपका जाहिर सी बात है कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, दास्तान होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 2 पे पूछ रखा है बागो बहार में कितने दरवेश के किस्से बयान किए गए हैं। ऑप्शन है 2, 1, 4, 3। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 दरवेश के बयान या फिर किस्से बयान किए गए हैं। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन भी पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, किस्सा आजाद वक्त का किस किताब का हिस्सा है। ऑप्शन है फसाना या जायब, बागो बहार, सबरस, आरश महफिल। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बागो बहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ रखा है किस्सा गोई की कदीम नसरी सिंफ को क्या कहते हैं। कदीम का मतलब होता है पुराना, जदीद का मतलब होता है नया। तो किस्सा गोई की कदीम नसरी सिंफ को दास्तान कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जितने स्टूडेंट दे रखे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर सवाल पूछ रखा है किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब का जो तर्जमा किया, फिर किताब की तर्जमा की। तो सही आंसर देखिए पहले ऑप्शन आसिफुद्दौला, जॉन गिलक्रिस्ट, नवाब वाजिद अली शाह, उसके बाद ऑप्शन डी में मोहम्मद हुसैन। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन गिलक्रिस्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था। तो इसका पहले ऑप्शन को देखते हैं, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद, रामपुर। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में कायम किया गया था। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन किस सिंफ में माफुकुल फितरी अनासिर की कार फरमाई हुई थी। ऑप्शन है दास्तान, इंशाया, ऑप्शन सी अफसाना, ऑप्शन डी नावेल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दास्तान हो जाएगा। देखते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। सवाल नंबर 8 पे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है कि मीर अमन दहलवी से कौन सी नसरी किताब मंसूब है। फसाना या अजाइब, बागो बहार, किस्सा चहार दरवेश, आरश महफिल। देखते हैं इसका सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी यानी किस्सा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, क्या हो जाएगा, बागो बहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बागो बहार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 9 पे पूछ रखा है मलिक सादिक से शहजादे के वालिद का क्या रिश्ता था, दोस्ती का, भाई का, बाप बेटे का, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोस्ती का। चलिए 10 नंबर सवाल, शामिल निसाब इक्तिबास बागो बहार किस दरवेश की कहानी से माखूज है। चौथे दरवेश, तीसरे दरवेश, दूसरे दरवेश, पहले दरवेश। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चौथे दरवेश की कहानी से माखूज है, चौथे दरवेश की कहानी से लिया गया है ये। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बागो बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है। तो बताएंगे फटाफट, ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन है लखनऊ स्कूल, दिल्ली स्कूल, फोर्ट विलियम कॉलेज स्कूल और दारुल तर्जमा। सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली स्कूल हो, सॉरी बी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम कॉलेज। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है ख्वाब ख्याल, गंज खूबी, नौ तर्ज मरसा, फसाना अजाइब। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंज खूबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंज खूबी, जिसका क्या कहते हैं कि जिसको किससे तर्जमा किया है, अखलाक मोहसिनी से। ठीक है, अखलाक मोहसिनी का कामयाब तर्जमा गंज खूबी के नाम से जो है ये रखा गया है, गंज खूबी के नाम से किया है। ठीक है ना, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बागो बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है।
किस्सा चहार दरवेश, ऑप्शन फटाफट देखेंगे, किस्सा चहार दरवेश, गुलजारे नसीम, गुलिस्तान, नौतर जमरसा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी किस्सा चहार दरवेश। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है मीर अमन का तखल्लुस क्या था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुत्फ था। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल, बागो बहार किस सिंफ में लिखी गई, सन में लिखी गई है। देखिए ऑप्शन 1810, 1801, 1880 और 1885। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1801 ईस्वी में। 16 नंबर सवाल, बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है मीर हसन, मीर अमन, मीर असर और मोहम्मद हुसैन आजाद। सही आंसर की बात करें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी मीर अमन। उसके बाद 17 नंबर सवाल पूछ रखा है उर्दू की पहली अदबी दास्तान की निशानदेही कीजिए, फसाने अजाइब, बागो बहार, सबरस, अफसाना, फसाने आजाद। सवाल नंबर 17 का सही आंसर आपका सबरस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है दास्तान सबरस की मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन है वली दखनी, मुल्ला वजी, रतननाथ, सरसार, रजब अली बेग सुरूर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुल्ला वजी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल पूछ रखा है मीर अमन की तसनीफ गंज खूबी किस किताब का तर्जमा है? ऑप्शन है गुलिस्तान, सियासतनामा, बोस्तान ख्याल, अखलाक मोहसिनी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, अखलाक मोहसिनी। उसके बाद 20 नंबर सवाल पूछ रखा है फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपए माहाना पर हुई थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40 रुपए माहाना पर। 21 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली के हमला के वक्त मीर अमन की जागीर किसने लूट ली? तो आपका ऑप्शन बी सूरज मलजाट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है वह कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नजर आने लगती थी? दाऊदी सुरमा, सुलेमानी सुरमा, याकूबी सुरमा, दास्तानी सुरमा। सही आंसर 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सुलेमानी सुरमा। 23 नंबर सवाल पूछ रखा है कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 500 रुपए का इनाम मिला था। कितने रुपए का? 500 रुपए का इनाम मिला था। तो आज किस क्लास में, आज किस क्रेश कोर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को पूरा कंप्लीट कर लिया है और अगले दिन जो है हम लोग चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम रहेगा टोबा टैक्सिंग और ये एक अफसाना रहेगा, इनके मुसन्निफ मंटू रहेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग चाहे अगर बुक वगैरह है तो आप लोग इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ये वाला चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद। जाते जाते आप लोग दो क्वेश्चन को सुन के उसका जवाब दे के जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो है आप लोगों के लिए कि शेयर की जमा क्या होती है और दूसरा क्वेश्चन है अब्द का मानी क्या होता है। ऐन बे दाल, अब्द और शीन ऐन रे शेर, ये दोनों का आप लोगों को जवाब देना है कमेंट